हेलो दोस्तों, अभी के टाइम में स्मार्टफोन किसी भी बजट का हो बट सभी लोग फोन लेने से पहले कैमरे को सबसे पहले ओपन करके चेक करते हैं, क्योंकि फोन में कैमरा टॉप लेवल का होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 3 परफेक्ट कैमरा स्मार्टफोन्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन तीनों ही फोन से आप 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे। तीनों ही फोन्स में काफी अच्छे कैमरा सेंसर और काफी सारे अदर कैमरा फीचर्स मिल जाएंगे। और दोस्तों यहां पे आपको 6000 mAh तक की बैटरी मिल जाएगी। साथ ही इन फोन्स में प्रोसेसर की परफॉर्मेंस भी एक्सीलेंट मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लिया तो आपको एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन मिल जाएगा। और हां दोस्तों, मैं इनके प्रोस एंड कॉन्स की भी बात करूंगा, जिससे आप अपने लिए एक बेस्ट फोन चूज कर सको। तो चलिए अब ज्यादा देर किए बिना मैं आपको इन फोन्स के सारे स्पेसिफिकेशन बता देता हूं। तो सबसे पहले हम इस लिस्ट के थर्ड नंबर के स्मार्टफोन से शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट का थर्ड फोन है सैमसंग गैलेक्सी M33। इस फोन के लुक्स एंड डिजाइन सैमसंग के काफी सारे फोन के डिजाइन की तरह ही देखने को मिलती है। इस फोन में साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब हम देखते हैं इसके डिस्प्ले को। तो इसमें आपको 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। एंड इसके डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। इसमें 6000 एमएएच की बैटरी मिलती है और 25 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसके कैमरे की। तो दोस्तों इसके बैक में मिलता है क्वाड कैमरे का सेटअप। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, प्लस 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, प्लस 22 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर मिल जाते हैं। और इसके फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो दोस्तों इसके रियर कैमरे से 4K वीडियोस को 30 fps पे रिकॉर्ड कर पाओगे एंड 120 fps पे HD क्वालिटी के स्लो मोशन वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड इसके फ्रंट कैमरे से 1080p तक के वीडियोस को ही रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अल्ट्रा वाइड कैमरे से आपको 123 डिग्री व्यूइंग एंगल मिल जाएगा, जो काफी बड़े एरिया को कैप्चर करने में आपको काफी हेल्प करेगा। इसके रियर एंड फ्रंट कैमरे में आपको काफी सारे फोटोग्राफिक मोड भी मिलेंगे, जो आपके पिक्चर्स को काफी अच्छा लुक देगा। तो दोस्तों ओवरऑल इस स्मार्टफोन का कैमरा काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, काफी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है इसके कैमरे से। अब प्रोसेसर की बात करें तो Exynos 1280 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाएगा। यहाँ पे 12 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों यह प्रोसेसर से आपको एवरेज परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तो अब इस स्मार्टफोन के प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो ये इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इस स्मार्टफोन का 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लगभग 16,500 रुपए में मिल जाएगा। तो दोस्तों आने वाले नेक्स्ट दो फोन काफी टक्कर के देखने को मिलते हैं कैमरे के मामले में, क्योंकि इनके फीचर्स काफी कमाल के मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्मार्टफोन को देखते हैं। तो इस लिस्ट का सेकेंड फोन है आईको G5 5G। तो इस फोन के लुक्स एंड डिजाइन की बात की जाए तो काफी सही लुक देखने को मिलता है इस फोन का। वहीं इसके साइड में आपको सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। अब मेन फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। एंड इसके डिस्प्ले में HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा, साथ ही 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। अब इसके बैटरी को देखें तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है और 44 वाट का फ्लैश चार्जर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब हम इसके कैमरे को देखते हैं। तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा एंड फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोस्तों इसके मेन कैमरे में आपको GW3 सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इससे आपकी पिक्चर क्वालिटी काफी एनहांस हो जाएगी और आपको काफी अच्छी क्वालिटी के पिक्चर्स मिलेंगे। इसके रियर कैमरे से 4K वीडियोस को 30 fps पे शूट कर सकते हो एंड फ्रंट कैमरे से 1080p के वीडियोस को 30 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अल्ट्रा कैमरे से आपको 120 डिग्री व्यूइंग एंगल मिल जाएगा। ओवरऑल कैमरे की कस्टमाइजेशन काफी अच्छे से की गई है, तो आपको इसके कैमरे से काफी अच्छी और डिटेल पिक्चर मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो इस फोन में मिलता है Qualcomm Snapdragon 778G का 2.4 GHz ऑक्टा कोर गेमिंग प्रोसेसर। तो अब इसमें प्रोस एंड कॉन्स देखें तो ये है इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स। इस स्मार्टफोन के प्राइस की बात करें तो ये आपको 19,990 रुपए में मिल जाएगा, जहाँ पे 8GB रैम और 128GB का स्टोरेज मिल जाएगी। चलिए अब हम अपने लास्ट फोन को देख लेते हैं और देखते हैं इस स्मार्टफोन का कैमरा कैसा है। वैसे इस फोन का कैमरा काफी लाजवाब होने वाला है। तो दोस्तों इस लिस्ट का फर्स्ट स्मार्टफोन है Realme 9 Pro Plus 5G। इसके लुक्स देखें तो बैक में काफी शाइनी पैनल मिलता है, जो काफी अच्छी लगती है देखने में। इसमें सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, जो काफी प्रीमियम सा फील देता है फोन को। तो अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो यहाँ पे 6.4 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। 4500 mAh की बैटरी दी गई है एंड 60 वाट का सुपर डार्ट चार्जर मिलता है। दोस्तों चार्जिंग फास्ट तो होगी ही एंड बैटरी बैकअप भी आपको काफी अच्छा मिलता है।
चलिए अब इसके प्यारे से कैमरा सेटअप को देखें तो ट्रिपल ईयर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाएगा, प्लस 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल जाता है एंड 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा। दोस्तों इसके प्राइमरी कैमरे में सोनी IMX766 का सेंसर मिल जाता है, वहीं इसके वाइड एंगल कैमरे में आपको सोनी IMX355 का सेंसर मिल जाता है एंड इसके फ्रंट कैमरे में सोनी IMX477 सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का कैमरा काफी लाजवाब है, काफी अच्छे सेंसर्स का सपोर्ट मिल जाता है। इसके प्राइमरी कैमरे से आप 4K वीडियोस को 30fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो आपको एक स्मूथ पिक्चर क्वालिटी देता है एंड इसके फ्रंट कैमरे से 30fps पे 1080p के वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकेंगे। साथ ही इसके दोनों कैमरे में काफी अच्छे अच्छे फोटोग्राफी फीचर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसका कैमरा काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके प्रोसेसर को। तो दोस्तों इसमें मिलेगा MediaTek Dimensity 920 का पावरफुल प्रोसेसर। इस प्रोसेसर से काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। अब इसके प्रोस एंड कॉन्स देखें तो ये इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स देखने को मिलते हैं। प्राइस की बात की जाए तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज की कीमत आपको 25,000 रुपए में देखने को मिलती है, बट अगर आप इसे ऑफर में परचेस करते हो जो आए दिन ऑफर आते रहते हैं तो ये आपको 20,000 रुपए के अंदर में ही देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे स्मार्टफोन थे जो 4K सपोर्ट के साथ आते हैं। इसके अलावा भी काफी फोन है बट उनमें से मुझे यही फोन बेटर लगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक कर सकते हो। वैसे अगर आपका बजट 20,000 रुपीज से कम है तो आपको इस लेफ्ट वाली वीडियो में 4K सपोर्ट वाले कैमरा स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, तो जाओ और जाके देखो।